ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विशेष प्रस्तुति आधी आबादी पूरा सच। आप जानते हैं इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपको हर बार एक बेटी से मिलवाती हूँ, एक ऐसी बेटी जिसने अपनी कहानी खुद लिखी हो, ऐसी बेटी जो बेटों से भी ज्यादा लायक होती हो। श्रोताओं, हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि हम बेटे और बेटी के बीच काबिलियत की दीवारें खींचते। हमारा ये भी उद्देश्य नहीं है कि बेटियों की कामयाबी के पीछे बेटों की अहमियत कम कर दे। हमारा मकसद तो सिर्फ इतना है कि बेटे और बेटी के बीच छिड़ी जंग की दीवारों को तोड़ दें, समाज के लोगों की उस सोच को बदल दें जो बेटियों को हमेशा पिछली कतार में खड़ा करना चाहते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने इसीलिए देश की उन सब महिलाओं को एकजुट किया जिन्होंने नए भारत की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई। साल 2018 के जनवरी महीने में फर्स्ट लेडीज कार्यक्रम में इन महिलाओं को राष्ट्रपति महोदय से मिलने का अवसर दिलवाया। आप भी ऐसा अवसर हासिल कर सकते हैं, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए। सुना होगा आपने, कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, लेकिन कुछ को आसमानों के खजाने चाहिए। आसमानों में ऐसा क्या रहस्य है जो हम बार बार उसकी तरफ देखते हैं? नक्षत्रों से कौन हमें मौन निमंत्रण भेजता रहता है? धरती आसमान से कैसे दिखती है? मानचित्रों की सीमा रेखाएं क्या विविधताओं का भौगोलिक सत्य है? ऊपर से एक दिखने वाले भूगोल को इतिहास की कौन से संघर्ष आमने सामने लाकर खड़े कर देते हैं? इन संघर्षों की युद्ध कथाओं का विस्तार कब से कब तक, कहां से कहां तक है? आप सोच रहे होंगे कि कहानी सुनाने की बजाय मैं आपको कौन से काल्पनिक संसार में लेकर जा रही हूं? तो श्रोताओं, मेरी आज की कहानी है ही कुछ ऐसी। आज की कहानी एक परिंदे की रणभूमि है, आसमान की नजर से धरती को देख रहे एक योद्धा की रियल स्टोरी। योद्धा, जी हाँ, जितने भी जीत के प्रतिमान हैं, सिर्फ पुरुषों के लिए गढ़े गए हैं। योद्धा, नायक। लेकिन श्रोताओं, नायिकाएं भी योद्धा हो सकती है। शांति इंसान का सपना है और युद्ध हमारा इतिहास। शांति यात्राओं के काफिले शव यात्राओं के पीछे ही निकलते हैं। इतिहास के उपन्यास लाल स्याही से लिखे गए और भूगोल रक्त के रंग से बदती बदलती कलाकृति है। जिस योद्धा ने आसमान में रहते हुए धरती की इज्जत के लिए जान देने की कसम उठाई, जिसने ठान लिया कि हिंदुस्तान का तिरंगा वो दुनिया में लहराएगी, आज की कहानी उसी के नाम है और इस योद्धा का नाम है भावना कंठ। गर्भवती महिला को तीन तरह का खाना खिलाना जरूरी है, क्योंकि गर्भ में बच्चे का सही विकास और मां का सही पोषण तभी होगा जब उसे सही मात्रा में हरी सब्जी, पीले और नारंगी फल, दूध, दही और मांसाहारियों को मांस मच्छी मिलेगा। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बिहार के बरौनी की रहने वाली भावना कंठ उस त्रिमूर्ति का हिस्सा है जो देश के आसमानों में उड़ने वाले हर परिंदे पर नजर रखती है। भावना कंठ वो फाइटर है जो दुश्मनों को बताती है कि जब बात सीमाओं की हिफाजत की होगी तो हर लड़की में लक्ष्मीबाई दिखेगी। मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भावना वो तीसरी कॉम्बैट पायलट है जिन्हें वायुसेना में पहली फाइटर पायलट बनने का सम्मान हासिल हुआ है। भारत में नया इतिहास बनाने वाली इन बेटियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ताकत बताया है। 18 जून को भारतीय वायुसेना में पहली बार फर्स्ट बैच ऑफ वीमेन फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलट की पहली बैच, इस सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, कितना गर्व होता है कि हमारी तीन फ्लाइंग ऑफिसर बेटियां अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना, जिन्होंने हमें गौरव दिलाया है। श्रोताओं, बात जून की गर्मियों की है, साल 2016 का था। इंडियन एयरफोर्स के लिए गर्व का मौका था
जब वर्दी में सजी धजी तीन फाइटर शामिल हुए। इन तीनों को वायुसेना में कमीशन किया गया। उस वक्त देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे। भारत सरकार ने तय किया था कि अब जंग के मैदान में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। जब युद्ध अपने तौर तरीके बदल रहा है तो योद्धा क्यों न बदल सकते। आज लड़े जाने वाले युद्धों के लिए बाहुबल से कहीं ज्यादा बीरबल की जरूरत होती है। जब बुद्धि पैनी हो और निगाह निशाने पर, तो देश के गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री ने इन तीनों बेटियों की बहादुरी को सलाम किया। एयरफोर्स कॉम्बैट वीमेन पायलट आर बीइंग ग्रेजुएटेड टुडे। इट्स अ रेड लेटर डे और अ गोल्डन लेटर डे, व्हिच एवर वे यू कॉल इट। एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर ऑन दैट ओकेजन। आई होप वी मेक अ लॉट प्रोग्रेस। फ्रॉम व्हाट आई हियर दे आर वेरी गुड एंड दैट शुड बी द ओपनिंग फॉर more and more girls, women to join the Air Force combat wing. श्रोताओं, बिहार में जन्मी भावना के मन में जहाज उड़ाने का सपना तो बचपन से ही कुलबुला रहा था, लेकिन करियर की दिशा दूसरे साइनबोर्ड से तय हो रही थी। पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। भावना ने भी राजस्थान के कोटा में जाकर इंजीनियरिंग की कोचिंग की। वो जाना तो नेशनल डिफेंस एकेडमी चाहती थी, लेकिन उस वक्त तक दरवाजे महिलाओं के लिए बंद थे। भावना ने बेंगलुरु में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की और टाटा कंसल्टेंसी में इज्जतदार ओहदे पर नौकरी भी मिल गई। लेकिन उड़ने और उड़ाने का सपना अब भी सांसें ले रहा था। भावना की जिद ने एक बार फिर जोर लगाया और फिर वो दिन आया जब यूपीएससी में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम देकर वो एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट हो गई। पहले स्टेज की ट्रेनिंग के लिए उन्हें फाइटर स्ट्रीम के लिए चुन लिया गया। परीक्षा के बाद परीक्षा चलती रही। लेवल 2 के लिए भावना को 6 महीने इंटरमीडिएट जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। मार्च का महीना और साल 2018, तारीख 16, एयरफोर्स स्टेशन अंबाला का था। विमान MiG-21 और पायलट सिर्फ एक थी। उस पायलट का नाम फाइटर पायलट भावना कंठ। श्रोताओं, भूगोल ने इतिहास लिखा। बिहार के बरौनी में देखा गया सपना हरियाणा के अंबाला में पूरा हुआ। इस परिंदे को बस अब रणभूमि का इंतजार है। ऐसी बेटियों के साहस को देखने के बाद भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना पड़ता है। सोचिए श्रोताओं, सोचिए कौन से दौर में जी रहे हैं हम। सुनते हैं ना हर दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आज भी देश के कई हिस्सों में बेटियों को जन्म से पहले ही कोख में खत्म करने की छुपी हुई इच्छा माता पिता को कानून हाथ में लेने को मजबूर करती है। माता पिता ही क्यों, डॉक्टर भी ऐसा करते हैं। इसीलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 20 नवंबर 2017 में एक सप्ताह तक इंटर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन फेस्टिवल आयोजित किया, हौसला 2017 नाम दिया। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के कई प्रयास किए गए। कैलेंडर में लिख लो, पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध ना केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, बचपन में कागज के प्लेन बनाकर उड़ाना ज्यादातर बच्चों का शगल होता है, लेकिन बचपन से ही बेटे बेटी के खेलों में विभाजन खींचने वाले परिवारों को भावना ने हैरान कर दिया। लेकिन भावना को इस उपलब्धि पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो तो बचपन से ही पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। और आसमान में उड़कर देश की सेवा करना तो मानो सोने पर सुहागा जैसा हुआ। वायुसेना में अब तक महिलाएं यातायात विमान या हेलीकॉप्टर ही उड़ाती रही हैं, लेकिन अब भावना कंठ लड़ाकू विमान की पायलट हैं। उनके साथ साथ पायलट बनी राजस्थान की मोहना सिंह और मध्य प्रदेश की अवनी चतुर्वेदी। इनकी कहानी भी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी,
लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि शुरुआत में भावना के माता पिता को भी डर लगता था, वैसा ही डर जैसा सभी माता पिता को लगता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे लड़ाकू विमान उड़ाएगी ये पायलट। लेकिन श्रोताओं, आज तो पूरा देश इन बेटियों को सिर आंखों पर बैठा रहा है। आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे खजाने में हौसले भरी कहानियां अभी बहुत बाकी है। अगली कहानी भी मैंने आपके लिए चुन कर रख ली है। नई कहानी आपको सुनाने के लिए मैं बेताब हूँ। आपका भी मन कर रहा है कि क्यों ना आपके शहर की कोई कहानी मैं आपको सुनाऊं? तो हमें चिट्ठी लिखिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी का ईमेल आईडी है gandhim@nic.in। आप मंत्रालय के फेसबुक पेज पर भी अपनी स्टोरीज @ministrywcd पर पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप हमें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। हमारा पता है 3rd फ्लोर शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अब वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।